नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज मुझे कमेंट्स करना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ। इस वीडियो में कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को डिटेल्स में आपको यहाँ पे समझाऊंगा, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट मैं ये चर्चा करूंगा वेदांता के ऊपर। देखिए, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर वेदांता के ऊपर क्या किया जाए, क्या इसके ऊपर लॉन्ग टर्म निवेश किया जाए, क्या स्विंग ट्रेडिंग्स के ऊपर कुछ काम किया जाए। देखिए, किसी भी तरीके से आप काम करना चाहे इस कंपनी के ऊपर, आपको एक बात को याद रखना होगा। देखिए, वेदांता एक ऐसे कंपनी है जिसका मार्केट कैप कोई छोटा मोटा नहीं है। इंडिया के देखा है तो माइनिंग इंडस्ट्रीज में इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी, मतलब देखा है तो नंबर वन प्राइवेट कंपनी है और माइनिंग इंडस्ट्रीज में इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। क्योंकि कोल इंडिया जो है तो इसका मार्केट कैप सबसे बड़ा है, करीबन 2,30,000 करोड़ के आसपास, और उसके बाद वेदांता का मार्केट कैप है करीबन 96,000 करोड़ के आसपास, एक टाइम 1,00,000 करोड़ के ऊपर हो गया था। तो इस कंपनी का सबसे ज्यादा वीकनेस पॉइंट क्या है? कंपनी का कर्जा। आप देखेंगे कंपनी करीबन 2.38% के आसपास कर्जा लिया, और सबसे जो बिग नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी के ऊपर मैं सोचता हूँ, वो पॉइंट्स में सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, वो है इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिख जाएगा। आप सोच रहे हैं कि कंपनी के प्रोमोटर के पास 63% होल्डिंग है, तो अच्छी बात है। चलो ये बात मान लेता हूं कि प्रोमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग्स है तो कंपनी की बिजनेस अच्छा चल रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। प्रोमोटर ने क्यों बाय किया इसके ऊपर, वेदांता के ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो बना के दिया, जहां पे जिस तरीके से प्रोमोटर ने फ्रॉड किया, तो मतलब रिटेल पब्लिक को फंसाया, वो कारण कौन सा है उस वीडियो में जाकर चेकआउट करना, तो आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे तो डीएस ने क्या किया, खुद के शेयर को बेच दिया। एफआईएस भी देखिए धीरे धीरे करके खुद का स्टेक को बेच रहा है। तो जो पड़े हुए हैं वो कौन है? पब्लिक और प्रोमोटर। पब्लिक के पास 17% का होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास 63% के आसपास होल्डिंग है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि सर होल्डिंग तो चलो ठीक ठाक ही है, तो इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है? देखिए, नेगेटिव पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर के साइड में जो रेड कलर का आपको बार दिख रहा है, इसका मतलब कि आप सोचिए ग्रीन कलर मतलब इस लेवल में 50% के आसपास क्या हुआ, कंपनी के होल्डिंग है। चलो मान लेता हूँ 63% के आसपास होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। अभी सारे के सारे जो होल्डिंग्स है वो उसको क्या किया गया, प्लेज किया गया, मतलब 100% शेयर। आप देखेंगे तो 99.9 मतलब 100% शेयर क्या किया गया है, प्लेजिंग किया गया है, प्रोमोटर ने प्लेजिंग किया। तो अभी प्लेज होता क्या है, जो बिगिनर है उसके लिए बता दूं, तो प्लेज का मतलब है कंपनी खुद के शेयर को गिरवी रखकर क्या किया, मार्केट से पैसा उठाया, खुद के बिजनेस को चलाने के लिए क्या किया, खुद के शेयर को गिरवी रखा। मान के चलिए आज बिजनेस चल रहा है, चलो ठीक है, कल अगर बिजनेस ना चले तो बिजनेस और भी ज्यादा कर्जे में डूब गया तो कंपनी का जो मतलब लोन लिया है कंपनी ने खुद के शेयर को गिरवी रखकर, वो लोन का पैसा मिटा नहीं पाएंगे। तो इस जो जिससे जिसको पास उसका गिरवी है शेयर, तो वो क्या करेंगे, वो शेयर जब्त कर लेंगे और कंपनी खतरे में पड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी कोई कंपनी खुद के शेयर को प्लेजिंग रखा है तो सोचना उस कंपनी से दूर रहना है। तो आप कहेंगे सर कितने परसेंटेज तक प्लेजिंग को आप मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं 15% तक प्लेजिंग को एक्सेप्ट करूंगा, उससे ज्यादा अगर एक भी परसेंटेज प्लेजिंग रहे तो मैं इस कंपनी से एग्जिट हो जाऊंगा। तो देखिए, मदारसन सुमी के ऊपर भी देखा जाए तो प्लेजिंग था, आज प्लेजिंग जीरो हो चुके हैं। तो देखना है कि कुछ मतलब एक दो साल आपको देखना पड़ेगा कि सही में वो प्लेजिंग कंटिन्यू हो रहा है कि प्लेजिंग को वो धीरे धीरे करके रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ही कंपनी के ऊपर टिके रहना। तो वेदांता के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में आपको प्रॉफिट लॉस में आपको इस बार लॉस देखने को मिलेगा। कंपनी प्रॉफिट नहीं किया, उल्टा लॉस कर बैठे। उसके साथ साथ कंपनी के जो कैश फ्लो है वो भी देखेंगे तो वो आपको पॉजिटिव दिखेगा। प्रॉफिट एंड लॉस आपको साल भर में भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो कुछ पॉइंट तो पॉजिटिव है, तो जब भी पॉजिटिव देखने को मिलता है उस सिचुएशन को फॉलो करके मैं हमेशा ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग बना है कि नहीं बना है वो देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास इस कंपनी के कोई भी लॉन्ग टर्म के होल्डिंग नहीं है, और भी जब जब इस कंपनी के ऊपर काम किया वो एक ट्रेडिंग पर्पस में काम किया। देखिए, स्ट्रांगली क्या हुआ, यहाँ पे एक सपोर्ट बना, यहाँ पे भी एक सपोर्ट बना, तो स्ट्रांगली एक सपोर्ट बना क्योंकि ये प्रीवियस एक स्ट्रांगली सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ से ही कंपनी क्या हुआ, एक बार ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ, मतलब एक स्ट्रांग यहाँ पे क्या बना था, एक सपोर्ट रेंज बना। तो जो सपोर्ट रेंज को टच करने के बाद कंपनी ऊपर गया और उसके बाद फिर से उसी लेवल को ब्रेकआउट किया। तो जो ब्रेकआउट हुआ, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर जो ब्रेकआउट हुआ क्या वो बहुत शानदार ब्रेकआउट है, क्या यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, पहली बात, जब भी कोई इस तरीके से ब्रेकआउट होगा, कोई भी रेंज को ब्रेकआउट करेगा, तो दो
चीजों को ध्यान रखना होगा। पहले जो ब्रेकआउट हुआ वो कितना स्ट्रांग है, क्या उस स्ट्रांग में वॉल्यूशन मतलब जो वॉल्यूम है वो क्या हाई हो रहा है, बिल्कुल नहीं, या फिर वॉल्यूम वीक है और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है और उसके साथ साथ 200 डेज EMA भी है, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा और इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी एक जर्नी देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक जर्नी करने के लिए कंपनी को हाई वॉल्यूम चाहिए और इस लेवल को ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, तभी एक जर्नी इस हाई लेवल तक आने का चांसेस है। तो आप कहेंगे सर अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो आप क्या एंट्री लेंगे, बिल्कुल नहीं, या फिर इतने सारे छोटे ट्रेड के ऊपर मैं कभी भी काम नहीं करता हूँ। मैं आपको आपको भी यही कहूंगा कि इस तरीके से पैटर्न के ऊपर ट्रेड मत करिए, क्योंकि जिसका कंफर्मेशन उतना कंप्लीट नहीं है, जिसका कंफर्मेशन उतना ज्यादा हाई लेवल में नहीं है। तो बाकी आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जियो फाइनेंस लिमिटेड। देखिए 28th of December इस दिन में क्या हुआ, दो बड़े व्यक्ति का जन्मदिन था। एक है रिलायंस का जो फाउंडर आप सभी जानते हैं धीरू भाई अंबानी जी, उनका भी जन्मदिन था, और टाटा ग्रुप के सबसे जो मतलब जिस जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं टाटा ग्रुप के रतन टाटा जी को, तो दोनों व्यक्ति का एक ही दिन जन्मदिन था 28 दिसंबर। तो इस जन्मदिन के मौके पे रिलायंस के मतलब मुकेश अंबानी ने, जो धीरूभाई अंबानी के बाद रिलायंस को सबसे ऊपर लेके गए, तो उन्होंने एक बात कहा कि ग्लोबली मार्केट में मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी टॉप 10 में कंपनी को लेके आएंगे, टॉप 10 में। तो एक बड़ा टारगेट उन्होंने दिया और उनके पिताजी के जन्मदिन के अंदर लिया गया। तो सोचिए जब कोई कंपनी बता रहा है कि मेरे जो कंपनी है वो वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनीज के अंदर शामिल करूंगा और वहां पे स्टेबल भी रखूंगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ शामिल करूंगा अदानी के जैसे 3 नंबर पहुंच गया उसके बाद कहाँ चला गया कुछ का पता नहीं, तो ऐसे नहीं है, वो सस्टेन भी करेंगे। तो इस तरीके से अगर सोचिए कोई बात अगर मैनेजमेंट कहे, कंपनी का अगर चेयरमैन कहे, तो उस कंपनी के ऊपर हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है। तो इसीलिए जियो फाइनेंस जो है वो लगातार ग्रोथ कर रहा है। आपको मैं पिछले दिन में एक वीडियो भी शेयर किया था, जो जियो सिनेमा है, तो जियो सिनेमा एक बिग डील का साइन किया है, मतलब बिग डील नहीं, एक बिग मर्जर का डील साइन हुआ है, वो भी किसके साथ, डिस्नी हॉटस्टार के साथ। तो जो OTT प्लेटफॉर्म है, जो लोगों को इस बार मतलब वर्ल्ड कप देखने को मिला फ्री ऑफ कॉस्ट में, IPL भी फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिला, उसी OTT प्लेटफॉर्म को अभी मार्च करने के बाद जियो फाइनेंस और जो हॉटस्टार है दोनों ही अब मार्च होगा और दोनों ही एक साथ काम करेंगे। तो सोचिए कितना बड़ा फायदा लेकर चलेंगे। अभी रिलायंस का काम ही तो ऐसा है, जैसे जियो के ऊपर क्या क्या, पहले फ्री सिम बांटा, उसके बाद 6 मंथ तक फ्री डेटा दिया, उसके बाद आज देखिए जियो मार्केट कैप्चर कर लिया और सबसे ज्यादा कस्टमर उसके पास है, आज वो चार्जेस ले रहा है अच्छी तरीके से। सेम टू सेम जियो फाइन सिनेमा भी उसी तरीके से सिनेरियो देखने को मिलेगा, पहले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका वहां पे एंटर कराया, उसके बाद आज आपको वहां पे जुड़ के रखा। तो जियो फाइनेंस जो कंपनी है इसका भी ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि जब कोई कंपनी का ग्रोथ होगा तो उसका जितने सारे फाइनेंस होगा, तो फाइनेंस का दूसरे क्या अलग कंपनी से लेंगे, बिल्कुल नहीं, तो जियो फाइनेंस उसको हेल्प करेंगे। तो खुद की अगर घर में ही फाइनेंस है तो उससे ही पैसा लेंगे, मान के चलिए आपके घर में 5 लाख रुपया है तो आपके बिजनेस में 2 लाख रुपये की जरूरत है, क्या बैंक से लोन लेने के लिए जाएंगे, बिल्कुल नहीं ना, तो वो तो आपके घर के पैसे से ही आप उस काम को कर सकते हैं ना। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि जियो फाइनेंस का फ्यूचर में ग्रोथ और पोटेंशियल कितना हाई है। और जियो फाइनेंस के ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा टास्क इसलिए करता हूँ क्योंकि कंपनी अभी भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, फिर भी इस कंपनी देखिए अच्छी तरीके से कंपनी सेल्स को ग्रोथ किया और प्रॉफिट मार्जिन को भी अलग लेवल में ग्रोथ किया, ऑलमोस्ट पिछले क्वार्टर से देखा है तो डबल के आसपास है। अभी देखना है Q3 का रिजल्ट आने वाला है, Q3 में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट इसीलिए देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर एक हाई लेवल का डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला है। तभी हाई लेवल का डिलीवरी का परसेंटेज क्यों हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कंपनी के चार्ट पैटर्न्स में एक चीज देखने को मिला, एक रेंज बनता हुआ देखने को मिले, पहले यहाँ पे ओपन लिस्टिंग यहाँ पे हुआ, उसके बाद नीचे आए, इस जगह से फिर से ऊपर गया, वही लेवल को रिटेस्ट किया, इसका मतलब जहाँ पे रेजिस्टेंस है उसी रेजिस्टेंस से फिर से नीचे आए, तो यहाँ पे फिर से सपोर्ट किया और अभी देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा टारगेट तो यहाँ तक है, मेरा एंट्री लेवल कुछ इस जगह पे है, जब मैंने एंट्री लिया था तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था, अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको सारे चीज पता होगा, इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ सारे वीडियो को एज एजुकेशन पर्पस में लीजिए, कोई भी मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, अगर किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो सोच समझ कर काम करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है KPI ग्रीन एनर्जी। इस कंपनी के ऊपर मैं ऑब्वियसली बुलिश हूँ, मगर इस कंपनी के ऊपर एक मुझे नेगेटिव सेंटिमेंट जरूर हमेशा देखने को मिलता है, कंपनी धमाका रिटर्न दिया,
कंपनी 52 का लो था 389 के आसपास, और आज कंपनी पिछले दिनों में भी कंपनी हाई किए थे और आज के दिन भी आप एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, आप देख सकते हैं। तो लगातार लगातार इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ देखने का कारण क्या है, मैंने आपको ये भी बताया था कि केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था। कंपनी को लगातार लगातार प्रोजेक्ट मिलते जा रहा है, अभी प्रीवियस जो प्रोजेक्ट पहले ही कंपनी को मिल चुके हैं वो आप देखेंगे तो कंपनी को 200 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला, जो एक टाइम से 13 करोड़ 28 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिलता हुआ देखने को मिला था, आज वो बढ़ के हो चुके कितना 203 करोड़। तो एक अलग लेवल का कंपनी का ग्रोथ देखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट पाने के बाद। तो कंपनी ने क्या किया, कर्जा भी उठा लिया, कर्जा उठाना पड़ेगा क्योंकि कंपनी कर्जा उठाने का जो मेन मकसद है कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट मिलना। तो इस कंपनी के एक नेगेटिव पॉइंट है जो है कंपनी का कर्जा, आप कंपनी का कर्जा देखेंगे तो 2.58% के आसपास है। अगर यही चीज मैं यहाँ पे चार्ट पढ़ने के हिसाब से दिखा दूं तो आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया, जो एक भी शेयर होल्डिंग नहीं कर रहे थे वो इस बार दिसंबर मंथ में अच्छा खासा होल्डिंग को ऐड किया, 1.6% के आसपास होल्डिंग को ऐड किया। और उसी तरीके से देखिए एफआईएस ने क्या किया, धीरे 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 करके होल्डिंग्स को बढ़ा दिया। जुलाई 2022 में सिर्फ 1% के नीचे होल्डिंग था, आज वो बढ़ के हो चुके हैं दिसंबर में 7.22% के आसपास। एक अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से देखने को मिला। और यहाँ पे तो आप देखेंगे तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है उनमें से कंपनी के पास अभी भी 45% के आसपास प्लेजिंग है शेयर। तो देखिए कंपनी मार्केट से लोन उठाएंगे तो उसको कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। देखिए बड़े कंपनी होते तो कुछ उसको इजीली लोन मिल जाते, छोटे कंपनी को बैंक लोन देने से बहुत डरते हैं क्योंकि अगर वो कंपनी सस्टेन नहीं कर पाए तो उसका लोन डूब सकता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि उसका मतलब बिजनेस का प्रॉपर्टीज नहीं तो बिजनेस का शेयर गिरवी रख के ही वो लोन देते हैं। तो फाइनली 49% के आसपास खुद के शेयर को गिरवी रखकर प्रोमोटर ने होल्डिंग उठाया। तो ये मुझे एक बिग नेगेटिव पॉइंट लगा, बाकी सारे पॉइंट्स इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो इसलिए केपीआईटी के ऊपर देखिए धमाका एक परफॉर्मेंस हुआ, एक रेंज बना था और मैंने आपको ये भी बताया इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करेगा हाई वॉल्यूम के साथ मैं एंट्री लूंगा। इसके ऊपर एंट्री लिया और मेरा 30% का टारगेट था, ऑलमोस्ट 30% यहाँ से बन चुके हैं। तो 30% कहाँ तक बना, एंट्री लेवल से अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट इस जगह पे मेरा 30% टारगेट बन चुके थे। तो 30% बनने के बाद देखिए फिर से रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए फिर से हाई वॉल्यूम के साथ कंपनी आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे देखिए फिर से एक रेंज क्रिएट हुआ और फिर से ब्रेकआउट हुआ। मुझे लगता है यहाँ से भी थोड़ा सा आप मोमेंटम जाने का वो कोशिश करेंगे। तो ध्यान देना हमेशा वो हायर हाई बनाते बनाते आगे बढ़ रहा है। तो कहाँ तक जाएगा, कब तक रुकेगा, इसका कोई पता नहीं, कंपनी तो लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, फिलहाल के लिए मेरा कोई एंट्री लेवल्स नहीं है, जब कोई एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी 27 तारीख को आपको एज ए एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाले थे, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट कितने लोगों को मिला, हर एक के बदले 10 शेयर कितने लोगों को मिला जरूर मुझे कमेंट्स करने बताइएगा। 27 तारीख नहीं है, 29 तारीख में। तो ये था कुछ कंपनीज के अपडेट, वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।